in Dabur Chyawanprash Pro Wrestling League, powered by Thumbs Up, from the country of Azerbaijan, representing JSW Bengaluru Yodha, please welcome Yulia Ratkevich. Bengaluru Yodha, Bijli ki dahad hai, Josh ka pahad hai, Raj hai pahad pe, hum Purandar Yodha. Buddhi bal pradhan hai, Bahubali balwan hai, Surma hai saasi, hum Purandar Yodha. Hulliya pe kaad de, hum Purandar Yodha. Ladaiya hai ladaku, hum Purandar Yodha. Shakti shali Yodha, hai khiladi Yodha. Dabur Chyawanprash Pro Wrestling League, powered by Thumbs Up. It's time for the women's 58 category. And from the country of Turkey, representing Mangalayatan University, Dilivir, please welcome Yasil Irmak Elif Yale. तो 2-1 की बढ़त अभी भी है दिल्ली वीर के लिए, और अब महिलाओं का ये मुकाबला 58 किलो वर्ग का, प्रतिदेव मलिक का भारत के, और ये मुकाबला आरंभ होता हुआ और अहम मुकाबला दिल्ली वीर के लिए। और जिस तरह से बेंगलुरु की टीम ने वापसी की, यहाँ पर एक तरह से जो मोमेंटम बनाया था दिल्ली ने पहले, वहां पर रुकावट तो आ गई है मनोज। जी हाँ, निश्चित तौर पर, और ये वो मुकाबला है जिसमें जिसका भारतवासी या ये कहिए कि पूरी दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। ये एक ऐसा मुकाबला होगा जो इस मुकाबले का, जो दिल्ली के और बेंगलुरु के बीच में चल रहा है, इसके भाग्य का फैसला करेगा, उसकी आधारशिला रखेगा। दोनों ही वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, और यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए राटकेविच जो है वो वर्ल्ड चैंपियन हरहेल को हराकर एक उलटफेर कर चुकी हैं। और वहीं जैसलमेर के लिए संतोष की बात यह है कि उन्होंने गीता फोगट जो पंजाब की आइकन खिलाड़ी है उनको शिकस्त दी बाई फॉल के आधार पर। जी बिल्कुल, और यही कारण है कहने के मनोज, ये एक बहुत बड़ी टक्कर है। अगर आप राटकेविच की बात करें, जी हाँ, जरूर चाहेंगे कि आप जीतें, और पिछले मुकाबले में थोड़ा सा उनको डिफीट मिली थी गीता फोगाट से। विवेक कुमार आनंद ये ट्वीट करते हुए, आप भी अपने ट्वीट आप कर सकते हैं। और शुरुआत ब्लू रेफरी मलिक ने बाउट को रोका, एक शायद पैसिविटी का वहां पर इशारा। जिस तरह से दोनों एक दूसरे को बरक रहे हैं, ओपनिंग ढूंढ रहे हैं, और दोनों की टेक्निक, डिफेंसिव टेक्निक भी सही है। क्या आयास बिल्कुल सही कहा, क्योंकि थोड़ा वक्त ले रहे हैं, अभी अंदाजा ले रहे हैं, भांप रहे हैं, पर जो आपने पैसिविटी रूल की बात करी, यही कारण है जो सिंगल लेग टैकल है उसका प्रयोग करना चाहे यहाँ पे, और ज्यादा लाभ मिला नहीं। फिर भी दोनों ही रेसलर्स ने अपना खाता नहीं खोला। यहाँ निश्चित तौर पर दोनों ही पहलवान एक दूसरे की खामियों से पूरी तरह से वाकिफ, और जो कोलाडो स्प्रिंग्स में है दोनों एक साथ प्रैक्टिस करती हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें अच्छा खासा अनुभव, और कोई भी कहते हैं एक सेकंड के 100वें हिस्से की चूक भी कई बार आत्मघाती साबित हो जाती है, तो उस चीज का बहुत ख्याल रखती हुई दोनों पहलवान। मनोज, इनके कोचेस अलग होते हैं या जब कोलोराडो में साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो क्या कॉमन कोच है, क्या होता है? देखिए, कॉमन कोचेस होते हैं और साथ में कुछ इंडिविजुअल कोचेस भी होते हैं, लेकिन कॉमन कोचेस जो है दोनों को अच्छी रणनीति बताते हैं। और वही मजेदार बात है, जिस तरह से आप भारत में देखेंगे कि भारत में पहलवान अपने अपने अखाड़ों में प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें आपस में कई बार तो ऐसा भी होता है कि भारी वजन के पहलवानों को इतनी जोड़ का पहलवान नहीं मिल पाता, लेकिन कोलोराडो स्प्रिंग्स जो है अमेरिका की जगह, या फिर मिंस्क है बेलारूस की जगह, जहां पर कुश्ती का बहुत बड़ा केंद्र है, और इस बार किसी केंद्र के को बताते हुए यहां पट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका दाव छूटा और गहरी पट लगाई खूबसूरती के साथ। देखना है इसे अंकों में तब्दील कर पाती है अथवा नहीं, देखना दिलचस्प। क्या ऐसा लग रहा है राटकेविच ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। अभी याद रखिए लगभग 2 मिनट निकल चुके हैं, खाता खुला नहीं, बहुत कम ऐसा देखा गया है कि 2 मिनट हो गए और खाता यहाँ पे अब अंक मिलता हुआ। पैसिविटी टाइम जो था उसका वो फायदा नहीं उठा पाई थी, जिसके फलस्वरूप एक अंक बटोरने में कामयाब हो गई। एलिफ रेड एक्शन, बहुत ही जबरदस्त से मुकाबला चलता हुआ, बहुत ही जबरदस्त से मुकाबला चलता हुआ। अगर आप बात करें एलिफ जेल को, जी हम उनको एक अंक मिला है, हालांकि अजय पॉइंट एक ही बनाओ अब तक इस बाउट में, लेकिन जो तनाव है, जो टेंशन है, जो दबाव है, जो प्रेशर है, ये बिल्कुल चेहरों पर जाहिर दोनों ही रेसलर्स। बेशक दोनों ने जैसे मनोज कह रहे थे काफी प्रैक्टिस करी है, काफी परिश्रम साथ में करते हैं,
पर एक दूसरे की जो गलतियां हैं, जो कमजोरी हैं, जो ताकत है उसको भी भांप चुके हैं और यही देख रहे हैं, फर्क रहे हैं अभी भी। और जिस तरह से जूलिया ने ढाक लगाई थी रितु फोगट के खिलाफ वो बहुत ही दर्शनीय थी। क्लिफ जेल को अभी 1-0 की बढ़त और कांटे की टक्कर चलते हुए अहम मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए और अब दूसरे राउंड का आगाज होता हुआ है आज। यार क्लिफ जेल ने अब तक जौहर नहीं दिखाए थे इस लीग में, लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि अपनी लय में आए हैं। और जैसे हम कहते आ रहे हैं कि हालांकि एक ही पॉइंट हुआ है अब तक, एक राउंड पूरा हो गया है, लेकिन जिस तरह की यहाँ पर ये बाउट हुई है काबिले तारीफ। अयाज हमेशा कहा जाता है जो फॉर्म है वो टेम्प्रेरी है पर जो क्लास रहती है वो परमानेंट रहती है, और वो क्लास है दोनों ही। अगर आप देखें रेसलर उनका अनुभव है, विश्वविख्यात है, जग जाहिर है, जिस प्रकार की क्षमता इनके पास है उसमें कोई भी कतरा नहीं सकता, पर आज दोनों ही करारी टक्कर देती हुई। और यहाँ एलिफ जिस तरह से उनके चेहरे पर हमला कर रही थी उस पर उनको एक चेतावनी भी मिली और अब नजदीक से लड़ती हुई, लेकिन एलिफ की तारीफ करनी होगी कि इस पूरे मुकाबले में अब तक ग्रिप पर उनका बहुत ही ज्यादा पूरी तरह से केंद्रित और इसी वजह से कोई अवसर नहीं दे रही है लेग अटैक का अपनी अपोनेंट जूलिया को। मुझे ऐसा लग रहा था दूसरे राउंड में थोड़ी सोच अलग होगी, थोड़े आक्रामकता दिखाएंगे, पर लगभग वही कर रहे हैं जो पहले राउंड में कर रहे थे पहले एक मिनट में। और इसके साथ ही पैसिविटी टाइम का कोई फायदा नहीं उठा पाई थी जिसके फलस्वरूप स्कोर हुआ 1-1 से बराबरी पर। यहाँ बराबरी हो गई है और यहाँ पर ये बाउट मेरे ख्याल से एक बिल्कुल बड़ा ही एक्साइटिंग एज ऑफ द सीट एक्साइटमेंट होगा यहाँ पर। और दोनों जो अंक मिले हैं वो पैसिविटी रूल के तहत, तो अभी तक आक्रामकता यार दिखाई नहीं है। और यहाँ रेफरी ने दोनों को चेतावनी दी है अभी कि आप रेसलिंग कीजिए, नकारात्मकता से बचिए और जिस तरीके से आप अपने हाथ चला रहे हैं ये देखिए यहाँ नकारात्मकता दिखाई देती हुई एलिफ द्वारा। अब मनोज दोनों ही ने अपने दाएं घुटने को स्ट्रैप किया हुआ है, तो क्या कुछ इंजरी कैरी कर रही है या ये 30 सेकंड। यह इंजरी से बचना बहुत ही महत्व होता है बॉस का बहुत ज्यादा। और यहाँ एक बार फिर से पैसिविटी टाइम शुरू हुआ और पार्थ जिंदल जो को ओनर है वो कहते हुए कि आज रात ये एक बड़ा मुकाबला है दिलीप वीर के विरुद्ध और पूरे तरह से बैक कर रहे हैं पार्थ जिंदल, उनका ट्वीट आता हुआ। और इस तरह से जूलिया का आक्रमण का इम्तिहान 30 सेकंड बहुत तेजी से निकल जाते हैं और तब ऐसा लगता है कि वक्त जो है पंख लगाकर उड़ रहा हो। और आखिरी क्षणों में पट लगाया खूबसूरती के साथ पीछे आई और दो अंक पर डोरने में कामयाब। इस तरह से जूलिया ने बाजी को पूरी तरह से पलट दिया है, कहां वो 0-1 से पीछे थी और कहां स्थिति पूरी तरह से उनके नियंत्रण में। सडन अटैक अजय, ये शायद जेल ने भी इसका एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जिस तरह से जूलिया ने छलांग लगाकर उनकी टांगों को पकड़ा। या जैसे देखा मौका मिला वो दाव खेला और टेक डाउन करती हुई, और ये जो दो अंक है ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। याद रखिए दिलीप वीर ने अभी तक इस BWL में एक भी मुकाबला नहीं जीता है। दूसरी तरफ बेंगलुरु योद्धास ने उत्तर प्रदेश पंजाब को हराया है पर मुंबई और हरियाणा से वो हारी हैं, तो कहीं ना कहीं ये अहम मुकाबला है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिलीप वीर की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रदर्शन के मामले में अभी काफी हाशिए पर और ग्रिप का उन्हें इंतजार। इस बार पट लगाने की कोशिश की अपने ही दांव में उलझी और इसके साथ ही बहुत ही अच्छा डिफेंस किया था जूलिया ने। जूलिया घूमने की कोशिश करती हुई लेकिन ग्रिप बहुत ही अच्छी जैसलमेर जेल की। यह ग्रिप अभी भी बनाई हुई है और अब स्टैंडिंग पोजीशन में आते हुए एक बार फिर ज्यादा समय शेष नहीं अभी इस राउंड में, और बहुत इंकरेजमेंट मिल रहा है जूलिया को अपने खेमे से और क्यों ना मिले, क्योंकि यहां पर एक तरह से अपसेट किया है बेंगलुरु की टीम ने। जूलिया ने यहां पर शिकस्त दी जेल को और एकदम अब आवाज सुन सकते हैं, शोर सुन सकते हैं, क्योंकि जो स्कोर लाइन है अब बराबर में आती हुई। जूलिया रेडकेविच ने मुकाबला जीत लिया है, हालांकि बहुत ही करीबी मुकाबला था, एलिफ जेल ने भी पूरी टक्कर दी पर 3-1 से ये मुकाबला जीत लिया जूलिया रेडकेविच ने पॉइंट्स डिफरेंस के आधार पे, तो एक अच्छी जीत उनके लिए। What a fierce fight, Julia. Oh, thank you. Очень была хорошая, very good wrestling. Olympic Games, я думаю, что будет лучше борьба, красивее, beautiful. Very, very beautiful wrestling. Well played, I must say. I also have the owner from Bangalore team, Mr. Parth Jindal. What do you think of the matches? And Bangalore is playing very well. You're already in semi-finals. Lekin aaj ka match bhi bahut important hai. Bahut zyada important hai kyunki
इस बाउट के वजह से हम सेमीफाइनल पहुंचेंगे और सेमीफाइनल में हो सके हरियाणा के साथ हमारा टक्कर होगा। तो यूलिया ने बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया है, लास्ट मोमेंट में कैसे विक्ट्री लाई है हमारी टीम के लिए। हमारे सारे सपोर्टर है बैंगलोर में, पहली बार ये रेसलिंग लीग आ चुकी है और मैं सब ओनर लोग और सब ऑर्गेनाइजर्स की धन्यवाद शुक्रान करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी लीग की ऑर्गेनाइजेशन करी है यहाँ पे। आपको क्या लगता है इंटरनेशनल प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स में क्या फ़र्क है आपकी टीम में? कोई फ़र्क नहीं है, हम लोग इंडियन बेटर है सब दुनिया से। फॉरेनर को यहाँ ला के फॉरेनर को हराना हमारा मकसद है। ओलंपिक ग्लोरी, ओलंपिक गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक हम लाकर ही छोड़ेंगे। नरसिंह यादव, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त जैसे खिलाड़ी हमारी, विनेश फोगट, इंडियन खिलाड़ियों सबसे आगे जाएंगे। वेल, एक और बात बताइए मुझे कि आपकी टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन? नरसिंह यादव जी, उन्होंने कैसी मुकाबला किया है। नरसिंह जैसे खिलाड़ी इस देश में एक ही नरसिंह है, स्वर्ण पदक जरूर लाएगा।